हमारा प्रोग्राम रेगुलर रूप से देखते हैं, तो आपको लगता होगा कि कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग में बहुत वीक थे या लगता था कि टैलेंट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनमें भी बहुत कॉन्फिडेंस आया और धीरे धीरे आ भी रहा है। और आज क्योंकि नया साल है और आज हमने टॉप 5 बच्चे अनाउंस करने हैं, वो बच्चे आएंगे हमारे इस प्रोग्राम में और अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अपना प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और मैं बुलाती हूँ बेबी सिमरो को। आपका ये नया साल बहुत सुखमय हो और आपका ये नया साल अच्छी अच्छी ढेरों ढेरों खुशियाँ लाए, आप अच्छे अच्छे नए दोस्त बनाए, आगे आगे अपने रिलेशनशिप जो पुराने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ और भी अच्छी करें, और इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ आपका नया साल स्टार्ट। मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा और सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी बुरी आदतें हैं उनको त्यागें और अच्छी आदतों को अपनाएं। तो ये है एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर निकिता अरोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको विश करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि एक ऐसी आदत बनाएं जिससे फॉर एग्जाम्पल डायरी राइटिंग, वो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है। पहले जो स्टेज का अनुभव थोड़ा बहुत कम था, वो अब ज़्यादा बढ़ गया है कि स्टेज पे किस तरह परफॉर्म करना है। बहुत अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। मेरा अब आप सभी दर्शकों को न्यू ईयर पे किस तरह विश करना चाहेंगे। We wanna wish you a happy new year. We wanna wish you a happy new year from the bottom of our heart. और आप भी कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को न्यू ईयर पर। मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा और एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह किसी भी दोस्तों में लड़ाई हो तो एक दोस्त को पता क्या करना चाहिए, उससे झगड़ा मोल लेने की बजाय एक लेटर पे उसे सब कुछ लिख देना चाहिए।